हेलो सेवेंथ क्लास, हम अपना पार्ट 3 रेशो से वस्त्र तक पढ़ना और समझना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, और दूसरा है मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस वॉज व्हाइट एज स्नो। तो इसमें प्रश्न यह पूछा है कि ब्लैक शीप के किन भागों में ऊन होती है। तो शीप या भेड़ के जो त्वचा होती है उसके अंदर ही उगने वाले महीन और मुलायम बालों से ही हम ऊन जो है वो डिराइव करते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। अब हम तो आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 2 पे। आपने पढ़ा था कि मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस वॉज व्हाइट एज स्नो, तो उसी से संबंधित प्रश्न पूछा है, मेमने के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है। यहां पर फ्लीस से मतलब है, फ्लीस का मतलब क्या होता है, उसकी त्वचा जो दिख रही होती है, तो वह सफेद क्यों थी, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह है, मेमना या भेड़ का जो बच्चा है उसकी जो त्वचा का रंग था वह सफेद था, और ये प्राकृतिक रूप से सफेद, काला या भूरा कोई भी हो सकता है। तो इसका उत्तर भी हम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, रेशम कीट अ कैटरपिलर या ब लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। विकल्प आपको क्या दे रखे हैं, केवल अ, केवल ब, ग अ और ब दोनों, और घ नहीं अ और न ब। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कैटरपिलर और लार्वा सेम ही स्टेज होती है। जब रेशम कीट जो होता है, एक व्यस्क रेशम कीट एडल्ट सिल्क मॉथ जो होता है, जब वो एग्स दे देता है, अंडे दे देता है शहतूत की पत्ती पर, तो क्या होता है, करीबन 10 दिन बाद उन अंडों से विकसित होते हैं लार्वा या कैटरपिलर। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वह है ग, अ और ब। तो कैटरपिलर और लार्वा दोनों ही रेशम कीट है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। पहला ऑप्शन है याक, दूसरा ऊंट, तीसरा बकरी और चौथा है घने बालों वाला कुत्ता। तो देखिए हमें ये पता है, ऊन हमें याक से भी मिलती है, ऊंट जैसे लामा और एल्पेका इनसे भी मिलती है, बकरी से भी मिलती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है जो जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, वह है डी ऑप्शन, घे ऑप्शन, घने बालों वाला कुत्ता, इससे हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।